उत्तराखंड एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। देवप्रयाग में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर एक बेकाबू ट्रक पैराफिट तोड़ते हुए खाई में गिर गया। खाई में गिरते ही ट्रक के पर खच्चे उड़ गए। हादसा इतना भयानक था कि ट्रक का केबिन चेचिस से अलग होकर गंगा में समा गया। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची, एसटीआरएफ की टीम पहुंची। ट्रक में ड्राइवर के अलावा उसकी पत्नी भी थी। ट्रक पानी की बोतलें लेकर गोपेश्वर जा रहा था। फिलहाल दोनों का कुछ पता नहीं चल सका। गंगा का बहाव तेज होने के चलते सर्च अभियान नहीं चलाया जा सका। और टिहरी जिले के भिलंगना रेंज में गुलदार के आतंक के चलते 3 दिन स्कूल बंद किए गए। जिला प्रशासन ने प्राथमिक स्कूलों में 3 दिन की छुट्टी कर दी है और वन विभाग के साथ मिलकर लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। क्षेत्र में गुलदार की दहशत के चलते दिन में भी लोग घरों में कैद हैं। वहीं वन विभाग ने अपनी टीम के साथ 6 शूटर तैनात किए। साथ ही गुलदार के लोकेशन के लिए ड्रोन की भी मदद ली जा रही है और वन विभाग के आला अधिकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। शनिवार को महर गांव में गुलदार ने 13 साल की लड़की को निवाला बना लिया था, जिसके बाद पूरे इलाके में खौफ है। तो जहाँ जहाँ पर भी सेंसिटिव एरियाज है वहाँ पर प्राइमरी स्कूल की छुट्टी कर दी गई है और अगर आगे भी ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो छुट्टी को एक्सटेंड भी किया जाएगा। इसके साथ ही डिपार्टमेंट्स को भी कहा है कि जहाँ जहाँ लाइट्स बढ़ाने की जरूरत है, सोलर लाइट या अन्य लाइट्स, वो भी लगाए। ऋषिकेश में नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है। सड़कों पर लगे काउंटर, ठेली, फड़ और अवैध निर्माण को हटाया। नगर निगम का कहना है कि अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लगातार जारी रहेगा। वहीं नगर निगम के कमिश्नर ने कहा कि अतिक्रमण की वजह से सड़कों पर जाम की स्थिति बन रही है और दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने के पहले नोटिस दिए गए थे। अतिक्रमण नहीं हटाने पर आज निगम ने बुलडोजर से अतिक्रमण को ध्वस्त किया है। अधिकारी महोदय के भी निर्देश है, अतिक्रमण के खिलाफ जो है कार्रवाई कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि नगर निगम पहले से भी लगातार इस काम को करता आ रहा था। अब बीच में संयुक्त रूप से सभी विभागों को इसमें जोड़ करके और कार्रवाई हो रही है और हम लोग लगातार जो है जो नगर निगम की परिसंपत्तियों पर जो अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से अतिक्रमण किया गया है उसको हटा रहे हैं। प्रदेश में मलिन बस्तियों को टूटने से बचाने के लिए सरकार में मंथन शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि सरकार तीसरी बार अध्यादेश ला सकती है या फिर 2016 में बनाए गए नियमावली में संशोधन कर नियमितीकरण करने का प्रस्ताव ला सकती है। उत्तराखंड में नदी नालों के किनारे सरकारी भूमि पर करीब 583 मलिन बस्तियां बसी हुई हैं। साल 2018 में हाईकोर्ट ने इसे अतिक्रमण मानते हुए खाली कराने के आदेश दिए थे, जिस पर सरकार पहले 2018 में 3 साल के लिए अध्यादेश लाई और फिर 2021 में एक और बार 3 साल के लिए अध्यादेश लाकर बस्तियों को उजड़ने से बचाया गया। दूसरी बार लाए गए इस अध्यादेश की भी समय सीमा सोमवार को समाप्त हो गई, यानी एक बार फिर बस्तियों पर तलवार लटक गई है। लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि ऐसा नहीं होगा, मलिन बस्तियां यथावत ही रहेंगी। मलिन बस्तियां यथावत रहेंगी। सरकार मलिन बस्तियों के लिए और उसमें रहने वाले लोगों के लिए पूरी तरह से संवेदनशील है। वो हम उनको पूरी तरह से जहां है वहीं पर रहेंगे, उसके लिए जो भी काम है वो करेंगे हम। माननीय मुख्यमंत्री से मेरी चर्चा हुई थी, उसके आधार पे उसमें हम और क्या अच्छा कर सकते हैं इसको लेके विचार विमर्श हुआ है और संभवतः उस पर अंतिम निर्णय हम आजकल में ले लेंगे। और ये हमारे जो मलिन बस्ती में रहने वाले लोग हैं उनको कैसे हम राहत प्रदान कर सकें, इसमें हम पूरी तरह से बातचीत करेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि अध्यादेश कोई स्थायी समाधान नहीं है। मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के लिए 2016 में नियमावली बनाई गई थी। इस नियमावली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले तत्कालीन विधायक राजकुमार का कहना है कि सरकार नियमावली के तहत बस्तियों को मालिकाना हक देना शुरू करे। सरकार लोग डरे फिर रहे हैं कि 3 साल बाद फिर अतिक्रमण टूटेगा, तो यह अध्यादेश से काम चलने वाला नहीं है। हमारी मांग यह है, आज हमने माननीय मंत्री जी से मांग करी है कि अध्यादेश से काम चलने वाला नहीं है, हमारी जो नियमावली थी, कांग्रेस की जो नियमावली थी, उसको आगे बढ़ाया जाए और मालिकाना हक देने का शुभारंभ किया जाए। मलिन बस्तियों के इस मुद्दे पर सरकार में मंथन शुरू हो चुका है। रविवार को शहरी विकास मंत्री और मुख्यमंत्री के अफसरों के साथ एक दौर की मीटिंग भी हो चुकी है। सूत्रों की माने तो सरकार 2 विकल्प पर विचार कर रही है, या तो वो तीसरी बार अध्यादेश ला सकती है या फिर 2016 की नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव लाकर बस्तियों को मालिकाना हक देने की दिशा में आगे बढ़ सकती है।
न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील प्रभात की रिपोर्ट। नैनीताल में कांग्रेस ने बड़ी जन आक्रोश रैली निकाली है। नैनीताल की सड़कों पर हजारों कांग्रेसी सरकार को घेरने में जुटे और इस दौरान राज्य में किसानों के मुद्दों के साथ स्मार्ट मीटर, खनन, बेरोजगारी, पलायन, पेपर लीक से लेकर अग्निवीर के मुद्दों पर सरकार को घेरा है। वहीं पर पंथ पार्क में जनसभा भी कांग्रेस ने की। कांग्रेस का कहना है कि सरकार की नीतियों से जनता परेशान है। कांग्रेस ने कहा कि जनता की हताशा ही है कि लोग सड़कों पर हैं। केदारनाथ और निकाय चुनाव कांग्रेस ही जीतने का दम भरती नजर आ रही है। रैली निकालने के बाद कुमाऊं कमिश्नर को ज्ञापन कांग्रेस ने सौंपा और कार्रवाई की मांग की है। बेरोजगार पड़े हैं पढ़ लिख कर। ये उत्तराखंड सेना का राज्य है, ये देवभूमि है। कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट का घर है। अग्निवीर योजना ने उस पर हमारे पानी डाल दिया। बीजेपी क्या कर रही है? स्मार्ट मीटर लगा के लोगों की जेब काटने की तैयारी हो रही। किसानों का समर्थन मूल्य का पता नहीं, किसानों की टोल का पता नहीं, किसानों की खाद के रेट बढ़ा दिए और खाद का जो है जो उसका भार है वो कम कर दिया। तो हर तरीके से त्राही माह में पहाड़ और मैदान में झगड़ा कराने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस इन मुद्दों को दो तरीके से उठाएगी। हमारा मकसद सत्ता पाना नहीं है, हमारा मकसद है जनता की सरकार बने, जनता के वायदों को पूरा करे और इस लड़ाई को हम मजबूती से लड़ेंगे। ये लड़ाई यहीं पर खत्म नहीं होती। नैनीताल के जन आक्रोश रैली के जरिए केदारनाथ और निकाय चुनाव को साधा गया तो कांग्रेस एकजुटता का संदेश देने में भी यहां से कामयाब रही है। हालांकि असल परीक्षा कांग्रेस के लिए चुनाव ही होंगे। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, नैनीताल। मंगलवार को केदारनाथ उपचुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। बीजेपी ने 6 नामों का पैनल दिल्ली भेजा है तो कांग्रेस की तरफ से 13 नाम है, पर कांग्रेस के दावेदारों में हरक सिंह रावत का नाम नहीं है। उम्मीदवार कौन होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। केदारनाथ उपचुनाव के लिए मंगलवार से नॉमिनेशन का दौर शुरू हो जाएगा तो 29 अक्टूबर नॉमिनेशन की आखिरी तारीख होगी। बीजेपी 6 नामों का पैनल दिल्ली भेज चुकी है तो कांग्रेस की तरफ से 13 नाम हाईकमान को भेजे जा रहे हैं। 13 नामों में पूर्व विधायक मनोज रावत, जिला अध्यक्ष कुंवर सजवान का भी नाम है जो चर्चाओं में थे, लेकिन कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत का नाम इस लिस्ट में नहीं है और ना हरक सिंह रावत ने दावेदारी की। मतलब ये कि 2022 के बाद ये तीसरी बार है जब हरक सिंह रावत उम्मीदवारी से दूर दिख रहे हैं। 2022 में पहले विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाए, फिर 2024 में हरिद्वार लोकसभा से मौका नहीं मिला, अब केदारनाथ में भी नाम नहीं है। तो क्या पूर्व सीएम हरीश रावत ने टिकट में ब्रेक लगाया? तो वहीं सीनियर ऑब्जर्वर गणेश गोदियाल के पास जो नाम आए सब शामिल किए गए। मैं कौन हूँ ब्रेक लगाने वाला? मैंने तो केवल एक बात कही है कि जो 2016 का पाप है उसका न्यूनतम प्रायश्चित तो होना चाहिए। किसी एक को जिताने के लिए तो काम करो कहीं। इस लोकसभा में अवसर था लेकिन मुझे नहीं लगता कि श्रीनगर या हरिद्वार या कहीं किसी संसदीय सीट में वो काम करते दिखाई दिए। जिला कांग्रेस कमेटी ने जितने एप्लीकेंटों के नाम हमें उपलब्ध कराए हमने उन सब पर लोगों से राय मांगी और इसके अलावा ये भी छूट दी कि जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है माना किसी ने और वो भी आपकी नजर में कैंडिडेट हो सकते हैं, क्या आप उनके बारे में भी कह सकते हैं? तो हरीश रावत अभी हरक सिंह रावत को राहत देने के मूड में नहीं है तो लोकसभा चुनाव के बाद गणेश गोदियाल और हरक सिंह रावत के बीच भी खटपट चल रही है। इस माहौल के बीच हरीश रावत चाहते हैं कि केदारनाथ का पूरा चुनाव सीनियर नेता गणेश गोदियाल के हाथों में सौंपा जाए जिन्हें पार्टी ने वहां सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है। वहीं न्यूज 18 ने इस मामले पर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत से भी संपर्क करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं हो सकी। विषय में श्री गणेश गोदियाल जी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। हमको कल के लिए भी एक नेता तैयार करना है गढ़वाल क्षेत्र के अंदर और उन्होंने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है और मैं समझता हूँ कि पार्टी को केदारनाथ में उनकी क्षमता पर विश्वास करना चाहिए। सफलता असफलता अलग चीज है मगर कांग्रेस सफल हो जाएगी यदि हम अपने नेता पर विश्वास करेंगे। केदारनाथ के लिए कांग्रेस का उम्मीदवार 13 दावेदारों में से एक होगा लेकिन यहाँ भी पुराने विवाद आज भी हरक सिंह रावत का रास्ता रोक रहे हैं और ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा
कह पाना मुश्किल है। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। देहरादून पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। इसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने परेड की सलामी ली और शहीद पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम ने पुलिस विभाग के आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 100 करोड़, जवानों के वर्दी भत्ते को बढ़ाकर 3500 रुपए करने की घोषणा की। वहीं हाई एल्टीट्यूड में तैनात पुलिस वालों के भत्ते को 200 से बढ़ाकर 300 रुपए प्रतिदिन करने की घोषणा की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पुलिस कर्मी हर मोर्चे पर शानदार काम कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि 2025 तक ड्रग फ्री देवभूमि बनाने के टारगेट पर काम किया जा रहा है। 100 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है जिससे कि उनके आवासों का निर्माण हो सके, अच्छे आवास उनको मिल सके। इसके साथ ही पौष्टिक आहार के लिए भी जो अभी तक मिलता था उसमें 100 रुपए की वृद्धि करने का, क्योंकि काफ़ी कठिन परिस्थितियों में काम होता है तो अच्छा पौष्टिक आहार भी उनको मिलना चाहिए। और साथ ही 3500 रुपए की जो निरीक्षकों की और कार्यरत सहायक उप निरीक्षकों की वर्दी भत्ता भी जो है हमने बढ़ाने का प्रावधान आगे के समय के लिए किया है। हरिद्वार भारत पेट्रोलियम के टैंकर से तेल चोरी के रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। डीएम ने निर्देश दिया, डिप्टी कलेक्ट्रेट ने छापेमारी की और बीपीसीएल के 2 टैंकरों से तेल चोरी करते रंगे हाथ ड्राइवर और क्लीनर पकड़े गए। हरिद्वार के डीएम को नजीबाबाद हरिद्वार हाईवे पर चिड़ियापुर में टैंकर से तेल चोरी किए जाने की शिकायत मिली थी। डिप्टी कलेक्ट्रेट का कहना है कि ड्राइवर और क्लीनर के साथ साठगांठ कर तेल चोरी या खेल लंबे समय से चल रहा था। महीनों से यहाँ पे जो है जो टैंकर आते हैं बीपीसीएल के या अन्य के, उनमें तेल चोरी किया जाता है और उस क्रम में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा मुझे निर्देशित किया गया। और जब मैंने देखा कि हम देखिए 2 वाहन खड़े हैं, UP12BT3760 और दूसरा वाहन है UP07CB2274, कि 2 टैंकर जो है रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। दीपावली से पहले FDA की टीम ने छापेमारी करते हुए देहरादून में नकली मावे की बड़ी खेप बरामद की। खाद्य विभाग की टीम ने एक कार्ड 200 किलो नकली मावा बरामद किया जिसका सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया है। लेकिन अभी मौके पर हमें 2 क्विंटल मिला है, लेकिन हमें यह भी सूचना मिली है कि जो बीच के कई सारे स्पॉट्स पे हैं जहां पे इन्होंने उतारे हैं, जो FBOs को इन्होंने दिया है, तो बाकी तो अभी जो इनके पास बचा हुआ 2 क्विंटल है जिसके हमने सैंपलिंग कर ली है। सर कुछ बता रहा है कि कहां का कुछ ऐसी जानकारी दे रहा है? ये अभी कुछ क्लियर नहीं कर रहा है, लेकिन अभी हम मार्केट में ही है, इसका पता करवाते हैं कि आज कहां का माल उतरा है, तो जैसी होगा तो इसके बारे में हम कार्रवाई करेंगे। बागेश्वर के सिमगढ़ी उप डाकघर में करोड़ों रुपए के गबन का मामला दिन प्रतिदिन गंभीर होता जा रहा है और 2 दिन की जांच के बाद भी डाक विभाग की टीम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। वहीं घोटाले से प्रभावित लोग अब अपनी जमा पूंजी वापस पाने की उम्मीद में दर दर भटक रहे हैं। बागेश्वर के सिमगढ़ी उप डाकघर के बाहर इन दिनों सन्नाटा पसरा है, लेकिन ग्रामीणों की चिंता का कोई अंत नहीं है। ग्रामीण जिनकी मेहनत की कमाई इस घोटाले में डूब गई है, अब हर दिन वो पोस्ट ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस घोटाले में न केवल उनकी जमा पूंजी को बर्बाद किया गया है बल्कि उनके सपनों को भी तोड़ दिया है। आपको बता दें कि सिमगढ़ी पोस्ट मास्टर पर करोड़ों के गबन का आरोप है। हमको तो हमारे पैसे चाहिए, हमारा तो ना कुछ धंधा घर में ऐसे काम हम करके जो भी पैसा बचा हुआ था वो जमा किया था वो भी चले गया, अब क्या करें? और वो पैसा सबका मिलना चाहिए। शायद जो है ढूंढे जाए तो नाले में कितने फोटो मिल जाएंगे, कितने क्या क्या मिल जाएंगे, फोटो का बता दीजिए, ये CBI जांच होनी चाहिए। बागेश्वर के सिमगढ़ी डाकघर में हुए इस गबन ने यहाँ के सैकड़ों ग्रामीणों की जिंदगी को एक झटके में बदल दिया है। हर बीतते दिन के साथ ग्रामीणों की चिंताएं और गुस्सा बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नजर नहीं आ रहा। वहीं अधिकारी ग्रामीणों को लगातार जांच का आश्वासन दे रहे हैं। जो कर्मचारी यहाँ पे संविदा में काम कर रहा था पोस्ट ऑफिस में, उसके द्वारा जो है पैसों का गबन किया गया है। गलत मुहर लगवा के उन लोगों का पैसा तो ले लिया, लेकिन उसको जमा नहीं किया गया खातों में, उनके विधिक रूप से जमा नहीं किया और इसी तरीके से गबन करने की सूचना हमें प्राप्त हुई है। सिमगढ़ी उप पोस्ट ऑफिस घोटाले ने सैकड़ों ग्रामीणों को मुसीबत में डाल दिया है। गांव के लोग अब CBI जांच की मांग कर रहे हैं ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके।
न्यूज 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। नगला इमरती के पास रविवार को एक बाइक सवार बदमाश ने कारोबारी को गोली मार दी। इसमें कारोबारी घायल हो गया और इसे हायर सेंटर रेफर किया गया। राजेश्वर में समर्थ पोर्टल में परीक्षा फलों में हो रही एग्जाम्स में हो रही गड़बड़ी पर एनएसयूआई ने कड़ी आपत्ति जताई और 3 दिन के अंदर समस्या के समाधान नहीं होने पर आत्मदाह की चेतावनी दी। उत्तरकाशी के 9 गांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड और स्पेस लिफ्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर की नियुक्ति की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया है। रुड़की में नगर निगम की कार्यशाली से नाराज कुछ पार्षदों ने नगर परिसर में जमकर नारेबाजी कर पुतला दहन किया। जोशीमठ में विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी ने आपदा प्रभावितों से मुलाकात की और कहा कि जोशीमठ में हर संभव प्रभावित लोगों की मदद की जाएगी। मूल निवास और सख्त भू कानून के लिए यूकेडी 24 अक्टूबर को राजधानी देहरादून में महारैली करने जा रहा है। हरिद्वार के लक्सर रेंज में खानपुर में वन तस्करों ने खैर के 4 हरे भरे पेड़ काट डाले और मौके से लकड़ियां लेकर फरार हो गए। वन विभाग ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। रामनगर नागा मंदिर के पास संयुक्त संघर्ष समिति की मीटिंग बैठक में पूछड़ी में वन विभाग द्वारा दिए गए बेदखली के नोटिस को लेकर नाराजगी जताई गई है। टिहरी जिले की भिलंगना और बालगंगा घाटी के आपदा प्रभावित गांवों की विस्थापना की प्रक्रिया तेज हो गई है। प्रथम चरण के तिनगढ़ गांव के करीब 100 से अधिक परिवारों का विस्थापन किया जा रहा है। राष्ट्रीय गंगा स्वच्छता मिशन की ओर से मनाया जाने वाला गंगा उत्सव इस बार हरिद्वार में आयोजित होगा। राज्य में छात्र संघ चुनावों को टालने की को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और विश्वविद्यालयों से चुनावों पर अपना स्टैंड क्लियर करने को कहा है। कोर्ट ने सरकार को 2 दिन में स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट अब इस में 2 दिन बाद फिर से सुनवाई करेगा। तो माननीय न्यायालय द्वारा आज राज्य सरकार व यूनिवर्सिटी दोनों से को ये कहा है कि आप अपने इंस्ट्रक्शंस दाखिल करिए और 2 दिन बाद की तिथि लगाई गई है। मेरा केवल यह निवेदन है कि जनहित याचिका के माध्यम से हमने प्रार्थना की है जो ब्यूरोक्रेसी और जो साथ में जो ये यूनिवर्सिटी के जो अधिकारी हैं जो लिंग दो कमेटी जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी जिसको मान्यता दी गई है और शासन द्वारा भी उसको स्वीकार किया गया है उसका उसके अनुसार उस पर्टिकुलर उसमें क्यों नहीं कराते हैं। और 8 साल में देहरादून में मेट्रो ट्रेन का एक काम नहीं हुआ है लेकिन 80 करोड़ का बजट जरूर खर्च हो गया है। प्रोजेक्ट शुरू होने की उम्मीद बहुत कम है लेकिन 2300 करोड़ रुपए खर्च होंगे और पैसे का इंतजाम खुद सरकार को करना पड़ेगा। देहरादून में मेट्रो ट्रेन का सपना 2016 में हरीश रावत सरकार में देखा गया तो त्रिवेंद्र सरकार के साथ 2017 में इस पर काम शुरू हुआ लेकिन मेट्रो कॉरपोरेशन 8 साल में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। देहरादून मेट्रो के नाम पर अब तक 80 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं लेकिन हासिल 0 है। साल 2021 में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी, 2022 में कैबिनेट से मंजूरी भी मिली लेकिन पैसे का अप्रूवल केंद्र सरकार में पेंडिंग है। साल 2021 में इस प्रोजेक्ट की लागत 1852 करोड़ रुपए थी जो बढ़कर 2300 करोड़ रुपए हो चुकी है। मेट्रो के लिए दिल्ली से पैसा मिलने की उम्मीद कम है इसीलिए उत्तराखंड मेट्रो कॉरपोरेशन ने अब 2 नए प्लान दिए हैं। यह है जिसमें एक मॉडल है जिसमें पूरा पैसा राज्य सरकार देगी और हम कंपनी जो है जो भी अर्निंग होगी ऑपरेशन के 1-2-3 साल बाद से उससे उस पर डिविडेंड हम पे करते रहेंगे उनको। और दूसरा मॉडल है कि 40% राज्य सरकार देगी और 60% हम लोन लेंगे। कमजोर आर्थिक हालत वाला उत्तराखंड इतना खर्च उठा पाएगा
इसकी संभावना कम है। वहीं देहरादून की करीब 10 लाख की आबादी में मेट्रो कितनी कमाई कर पाएगी, ये भी सवाल है। ऐसे में हर साल औसत 10 करोड़ रुपए मेट्रो के नाम पर क्यों खर्च किए जा रहे हैं? तो 8 साल पहले बने मेट्रो प्राधिकरण के ऑफिस में आज 40 लोग काम कर रहे हैं। वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल भी इस खर्च पर चिंता जता चुके हैं। ऐसे में अब सरकार को सोचना होगा कि जिस प्रोजेक्ट की उम्मीद ना के बराबर हो, उस पर करोड़ों का बजट क्यों खर्च किया जाए। लेकिन अंतोगत निर्णय प्रधानमंत्री कार्यालय से लेना है, वहाँ भी हम लोग संपर्क में हैं। हालांकि वो दरवाजे भी बंद नहीं हुए हैं, लेकिन हमने उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ मेट्रो से संबंधित हमारा जो भी नेटवर्क है, उसको हम अभी इसलिए रखे हैं, इस प्रत्याशा में ही रखे हैं कि हम उस पर आने वाले टाइम पे उस पर उसका लाभ ले सकेंगे। उत्तराखंड में कई ऑफिस को काम के बजाय प्लान बनाने का पैसा मिल रहा है, करोड़ों का बजट खर्च हो रहा है, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा। कुछ यही हाल उत्तराखंड मेट्रो कॉरपोरेशन का भी है। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। आदि कला क्षेत्र को अब बॉलीवुड से रूबरू कराने पर काम शुरू होने लग गया है। फिल्म मेकर जहां पर आदि कैलाश और ओम पर्वत पर डॉक्यूमेंट्री तैयार कर रहे हैं, वहीं पर प्रकृति के अद्भुत खजाने को पर्दे में उतारने की भी तैयारी की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। पिथौरागढ़ में मौजूद आदि कैलाश और ओम पर्वत देखने की चाह हर किसी को होती है। इन पवित्र स्थलों को देखकर शायद ही कोई हो जो हैरान नहीं हो। उच्च हिमालय का ये क्षेत्र प्रकृति के सौंदर्य से पूरी तरह से लिपटा हुआ है। ऐसे में अब आदि कैलाश के क्षेत्र को बॉलीवुड से रूबरू कराने के लिए फिल्म मेकर भी यहाँ आने लगे हैं और आदि कैलाश, ओम पर्वत और पार्वती ताल को केंद्र रखकर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। आदि कैलाश और ओम पर्वत पर हम जो डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, क्योंकि मेरे पास 35 साल पहले का भी पूरा मटेरियल फोटोग्राफ उपलब्ध है, तो मैं कंपेयर करते हुए डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं हम। चाइना बॉर्डर पर 18,000 फीट की ऊंचाई पर आदि कैलाश और ओम पर्वत मौजूद है। लिपु लेक बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड बनने के बाद यहां पहुंचना भी काफी आसान हो गया है। बीते साल पीएम नरेंद्र मोदी भी आदि कैलाश पहुंचे थे, जिसके बाद ये इलाका पूरी दुनिया में चर्चित हो गया। यही वजह है कि अब देश दुनिया के सैलानी भारी तादाद में यहां पहुंच रहे हैं, जिससे बॉर्डर के इलाके में हर समय चहल पहल बनी हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 2005 में गया था, उसके बाद आज गया हूँ तो बहुत सारे बदलाव देखने को मिले। व्यावसायिक रूप से बहुत बदलाव देखने को मिले। माताएं बहनें होटल रिजॉर्ट चला रही हैं, लड़के चला रहे हैं, तो ये शुभ संकेत है। और आदि कैलाश का जो रूट खुला है मोदी जी के जाने के बाद जो है वो चमत्कार हो गया। बीते 2 सालों में आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शनों के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। ऐसे में अब इस इलाके को लेकर बॉलीवुड का रुझान भी बढ़ता है, तो तय है कि आने वाले दिनों में यहां बहुत कुछ बदल जाएगा। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उत्प्रेती की रिपोर्ट। केंद्रीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने पिथौरागढ़ के रालम गांव के साथ ही आईटीबीपी के जवानों का आभार व्यक्त किया। राजीव कुमार 16 अक्टूबर को मिलम जा रहे थे, लेकिन खराब मौसम के कारण उन्हें रालम में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। निर्वाचन आयुक्त ने रात रालम में ही गुजारी, जबकि गांव ठंड के कारण पूरी तरह से खाली था और राजीव कुमार की मदद के लिए 38 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करके पातो गांव से लोग पहुंचे थे। रालम के लोगों ने इन दिनों जो रालम के लोग हैं पातो में रहते हैं, जिनका अब उन्होंने आभार जताया। खबरें जा रही है, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।